सारे के सारे बजरी पे लेटे हुए हैं और भैया मस्ती कर रहे हैं। अच्छा पहले बता दूं, ज्यादा एडिटिंग नहीं है, रॉ व्लॉग होने वाला है। व्हाट्स अप गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आपका भाई दोबारा निकल गया एक और ट्रिप पे, मगर इस बार हमारी बेनेली साथ है, हमारी कैटरीना साथ है और बहुत मजा आने वाला है यार इस ट्रिप पे। दोबारा पहाड़ है, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, जहाँ तो पास में रहे मगर जा पहाड़ों में रहे हैं। एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, सोचो सोचो सोचो। यस गाइस, कंगना इज आल्सो गोइंग विद अस। यस माय हिमालयन स्टेट 2018, मेरा भाई जा रहा है साथ में, पहला ट्रिप है उसका, वो मेरे साथ राइड कर रहा है, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आने वाला है। और नहीं नहीं एक सरप्राइज़ और है आप लोगों के लिए, और वो सरप्राइज़ मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ, अभी थोड़ा सा रास्ता कवर करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़े उजाले में। तब तक बने रहिए वीडियो पे, जाइएगा मत, बहुत मजा आने वाला है। हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल यारो, वेलकम टू द चैनल टू ऑल द वंडरफुल सोफिस्टिकेटेड एंड बॉम्बास्टिक पीपल हु इज वाचिंग अस राइट नाउ। तो भैया आज की बातचीत कुछ ऐसी है, तो आज दोनों हमारी हीरोइंस निकल गई हैं, कंगना और कैटरीना, और भाई तो हमारे साथ है ही हैं, जानते तो होंगे ना इसको आप, मौत का नंगा नाच दिखाने वाला। आप इंट्रोडक्शन भाई कौन है ये? यही है वो सौदागर, मौत का सौदागर हूं मैं। तो लेट्स एंजॉय द व्लॉग, आपको बहुत मजा आएगा। वी आर हेडिंग टुवर्ड क्वीन ऑफ हिल्स, एक हिंट दे दिया मैंने आपको, तो आप सोचते रहो कहाँ पे हम जा रहे हैं, और ज्यादा दूर नहीं है, पास में जा रहे हैं। और क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज यार देखो कई लोगों को ड्रिंक करने के बाद हैंगओवर होता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो सुबह सुबह एक और ड्रिंक लेते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम पहाड़ों से आते हैं, जैसे अभी आपका भाई नैनीताल से आया, तो उसका हैंगओवर था मेरे को यार, कि मेरे को हाँ यार दोबारा पहाड़ों पे जाना है, तो प्लान किया, भाई लोगों से बात करी और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। तो एंजॉय द व्लॉग गाइस। क्या बोलती पब्लिक, तो ऑलरेडी 70-75 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम दिल्ली से अभी तक, और मेरठ यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर रह गए हैं, और बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं मेरठ जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ कौन से स्टेशन जा रहा हूँ, बिल्कुल सही समझे आप। वी आर गोइंग टू मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल्स, बहुत मज़ा आने वाला है यार। एक्चुअली मज़ा क्यों आने वाला है यार, देखो एक्चुअली दोनों अपनी बाइक्स अपने साथ हैं, कंगना और कैटरीना, भाई अपने साथ है, अपने आशुतोष और आयुष भी साथ हैं, तो मज़ा तो आएगा, अब बहुत आएगा। अब मसूरी जाने का प्लान कैसे बना, क्यों बना, बताता हूँ, सब बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी नैनीताल से होकर आया मैं, और आपने इतना प्यार दिया उन ब्लॉग्स के ऊपर, उन वीडियोस के ऊपर, तो जब मैं उनको एडिट करता था तो मैं कुछ एक हो जाता था यार, कि यार मिस कर रहा हूँ पहाड़ों को, मन कर रहा है दोबारा जाने का, तो ऐसे ही रेंडमली बैठा था, एंड आई टॉक माई ब्रदर एंड आयुष कि भाई चलते हो क्या मसूरी, एंड दे सेड यस व्हाई नॉट। तो भैया कुछ ना आओ देखा ना ताओ, प्रोग्राम मसूरी चलने का, गाइस कवर्ड 130 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, और अब भूख लगाई है तो सोच रहे हैं थोड़ा कुछ खा पी लिया जाए, कोई बढ़िया ढाबा दिखता है या कोई रेस्टोरेंट दिखता है तो वहाँ रुकते हैं, फिर आते हैं आपके आमने सामने, फिर बात करते हैं। व्हाट्स अप पीपल, भैया हालत हो रही है बहुत खराब, ढूंढते रहे रेस्टोरेंट मगर अपने टाइप का कुछ मिला नहीं, तो चलते चले गए। टेल नाउ वी कवर्ड 202 किलोमीटर, और आशुतोष भाई कैसी हालत लग रही है? अरे बहुत अच्छा मौसम है, बस थोड़ी नहीं सड़कें खराब है। आपका हालत पीछे का बताओ, पीछे का बस सुलगी हुई है, क्या बताऊं मैं। हाँ भाई लड़के तूफानी, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, ऐसा लग रहा है। और पीछे का हालत बताना यार, पीछे की हालत कैसी है? सपाट हो गए, हम जा पहाड़ों पर, पर मेरा पिछवाड़ा तो सपाट क्लीन हो गया, खत्म। तो भाई ऐसा है कि व्हाट वी आर प्लानिंग, कि अब हम
सीधा देहरादून के मिड में लाल तप्पड़ वगैरह या लाल जगह आती है लाल तप्पड़, वहाँ पे कहीं रुकेंगे, वहाँ पे कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करेंगे और सीधा फिर हिट करेंगे मसूरी। बता दूँ ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, रॉ व्लॉग होने वाला है, होप आप लोगों को पसंद आए। कोई ज़्यादा कुछ सिनेमेटिक नहीं ट्राई किया, कुछ नहीं करा, बट हाँ ऑसम फन, बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ बोलना भाई जी? ऑसम ऑसम। और एक बार व्यू देखो यार, उधर ऊपर देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो सीधा मैं मिलता हूँ आपको अपनी ब्रेकफास्ट वाली जगह पे, तब तक कुछ नहीं यार, बने रहो, आ रहे दोबारा। ओ बॉय ओ बॉय ओ बॉय, व्हाट अ व्यू मैन। मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं आपको सीधा मिलूंगा ब्रेकफास्ट टेबल पे या कुछ खाने की जगह पे, बट यार मैं अपने आप को रोक नहीं पाया ये व्यू देख के। सी मैन व्हाट अ ब्यूटी, एक नंबर, मज़ा आ गया यार। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, डर नहीं, अगर ज़्यादा बारिश हुई तो मैं शायद कैमरा अपना अंदर रखूँगा। व्हाट्स अप गाइस, सो अभी हम रुके हैं यार कुछ ऑमलेट वगैरह खाने के लिए, बिकॉज सुबह से कुछ नहीं खाया था और मेरे भाइयों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज लास्ट एक सवा घंटे से हम बारिश में राइड कर रहे हैं, तभी मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर पाया रास्ते में, बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे को अपना कैमरा ख़राब नहीं करना था। स्टिल वी आर 27 or 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम मसूरी, और भैया अभी भी पता नहीं है कि बारिश रुकेगी नहीं रुकेगी, यू कैन सी द वेट रोड्स ओवर देयर। और यहाँ खड़ी है हमारी धन्नो, हमारी कैटरीना और कंगना, तो अंदर आ जाओ भैया, कैमरा ख़राब हो जाएगा। तो अभी भैया फटाफट ऑमलेट खाते हैं और निकलते हैं, अगर आगे बारिश रुकी तो डेफिनेटली आई विल व्लॉग, आई विल मोटो व्लॉग, अदरवाइज सीधा आपको मिलूंगा होटल पहुँच के, तो होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू। सो गाइस वेलकम टू द हेवन, जी हम ऑन द वे पहुंच गए मसूरी के, मसूरी 15 किलोमीटर रह गए, और भाई जी क्या बताऊं आपको, क्या व्यू है, ऑसम। और आज बहुत सारे कांड हुए आपके भाई के साथ, एक तो कंटिन्यूस बारिश में राइड किया जिसकी वजह से हालत बहुत ख़राब है, जैकेट पूरी गीली हो चुकी है, शूज़ पूरे गीले हो चुके हैं, और पता नहीं अंदर का क्या क्या गीला हो चुका है, समझ जाओ। यस सब कुछ नहीं बोल सकता, बच्चे भी देखते चले। रंबल स्ट्रिप्स, सी द ब्यूटी मैन, जस्ट ब्यूटिफुल। बोलो शंकर भगवान की जय। ये बहुत पुराना और बड़ा मंदिर है, जब भी आप मसूरी आए हैं तो यहाँ पे ज़रूर रुकें, मैं हमेशा आते हुए रुकता हूँ, तो आपकी श्रद्धा है कि आपको पहले रुकना है बाद में रुकना है, मैं हमेशा वापस आते हुए यहाँ रुकता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि कैसे बादल नीचे आए हुए हैं यार, आई डोंट नो कैमरा कैसे आपको दिखा रहा है कि आप इस टाइम देख रहे हैं, बट जो मैं इस टाइम अपनी आँखों से देख रहा हूँ ना, वो भैया आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, मज़ा आ गया, मज़ा, नैनीताल की यादें दोबारा ताज़ा हो गई। और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा दिखता है, जस्ट ही होटल, वन ऑफ द स्केरियस्ट राइड आई एवर डिड इन माई लाइफ। भैया कुछ नहीं दिख रहा था सामने के 10 मीटर का, कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा फॉग था, और मोटो ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं कर पाया बिकॉज बार 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 बारिश हो जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बार बार कैमरा बाहर निकालना पड़ रहा था, अंदर रखना पड़ रहा था, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। वो अभी कुछ नहीं यार, नहाता हूँ धोता हूँ रेडी होता हूँ, राजा बाबू बनता हूँ, मिलता हूँ आपके सामने आता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है, ब्लॉग को कंटिन्यू करना है या इसको यहीं पर एंड करना है, क्योंकि हालत ख़राब है भाई, पीठ टूट गई है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो गाइस बन गए राजा बाबू, नहा लिए धो लिए और चेंज कर लिया है, और आयुष भाई और हमारा भाई और आशुतोष भाई जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऑसम टॉप, आई कैन नेवर फॉरगेट दिस, किलर वेदर, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू वर्स्ट राइड एवर विद यू,
with me. Okay. हाँ ठीक है मैं मानूंगा राइट थोड़ी because of the weather condition. बिल्कुल वो तो मैंने पहले भी बोला कि zero visibility नहीं कर सकते ना भाई. Zero visibility. Worst side with him. I'm saying worst side with him. Worst side with me ये कह रहा है कि ऐसा हुआ. तो बेसिकली यार अभी कुछ नहीं यार कुछ खाया नहीं था बस वही ऑमलेट लिया था जो आपको दिखाया था अभी हमने ऑर्डर किया सॉर्टेड पकोड़ा पनीर एंड पनीर एग भुर्जी एग भुर्जी अभी क्या प्लान है अभी खाते हैं फिनिश करते हैं उसके बाद सीधा निकलेंगे हम कहाँ पे मॉल रोड पे थोड़ा घूमने शूमने देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे कुछ इनको एक मेरे को शॉप दिखानी है वो आपको भी दिखाऊंगा इफ यू आर कमिंग टू मॉल रोड तो डू विजिट दैट शॉप बहुत ही बढ़िया शॉप है एंड यू कैन बाय एनीथिंग फॉर योर फैमिली और योर लव्ड वंस बहुत बढ़िया और बहुत रीजनेबल है एंड एंड वो डिलीवरी भी करते हैं हाँ वो डिलीवरी भी करते हैं अगर आपको कोई चीज पसंद आती है और आप उसे कैरी करके नहीं ले जा सकते हैं तो वो आपके घर पे आपको पहुंचा देते हैं तो बहुत बढ़िया शॉप है वो दिखाऊंगा और वो वर्थ है यार वहां पे जाना उसका तो बी रोल भी पक्का है भाई बनता है वहाँ का तो आयुष भाई yes. खाना बाद में खा लेना थोड़ा सा आपको सब देख रहे हैं हाँ जी जनता देख रही है तेरे को लड़के यही है वो मौत का सौदा करूँ मैं यही है वो नंगा नाच करता था मौत का तो कुछ नहीं यार मिलते सीधा मॉल रोड पे तब तक अभी हम अपना फिनिश करते हैं चिली पनीर वगैरह जो जो आया है और मिलते सीधा मॉल रोड हेलो गाइस सत श्री अकाल हाय आई एम आशुतोष और अभी मैं यहाँ पे यूपी कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री के यहाँ जो कि मॉल रोड की सबसे बेहतरीन शॉप है अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे विजिट करिए और विकास भाई फिलहाल अभी बिजी है बी रोल बनाने में तो प्लीज़ आप बी रोल का मजा लीजिए तब तक विकास भाई अभी आते हैं टाइम मेरे को तो शॉप दिखाना था वो भाई तो दिखाई चुका है अपने स्टाइल में तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस ब्लॉग में बस खाना खाएंगे सोएंगे बिकॉज थके हुए बहुत हैं आज काफ़ी राइड किया है वो आपको मीठी शक्कर कर रखी है हाँ मैंने करवाई है शुगर है मुंह में नहीं थूक लेते हैं टोर करते जाते हैं होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा चाहे किसी भी वजह से आया हो चाहे आयुष की खतरनाक चीज़ों की वजह से आया हो या हमारे आशुतोष की वजह से आया हो या हमारे कैमरामैन जो इस टाइम इधर हैं इनकी वजह से आया हो तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा कल हम यहाँ से निकलेंगे हरिद्वार के लिए हरिद्वार जो मेरा होम टाउन है मेरा नेटिव प्लेस है तो आपसे लेता हूँ विदा विद दैट सेड आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग राइट हियर राइट नाउ विद दीज लवली पीपल सो वही बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली ऑलवेज वी हैव गुड प्रोटेक्टिव गियर व्हाइल राइडिंग एंड फैस्टनिंग योर सीट बेल्ट्स व्हाइल ड्राइविंग टू आ गए हम होटल हैशटैग रिस्पेक्ट लाइफ बाय बाय I won't stop till the end, no.